नमस्कार, मैं अमित रमेश मुखरे। आज हम एक नए उद्योग के बारे में चर्चा करने वाले हैं, कच्ची घाने पर आधारित तेल निर्मित उद्योग। हाँ, कच्ची घाने पर आधारित तेल निर्मित। हम यहाँ महाराष्ट्र में उसे लाकड़ी घाना या लकड़ी घाना भी बोलते हैं। उस उद्योग पर हम स्पेशली आज डिस्कस करने वाले, क्योंकि ये तेल जो है ये हमारी डेली नीड होता है और जीवनावश्यक भी है। हमने सालों से प्यूरीफायर तेल और रिफाइनरी तेल का इतना उपयोग किया है कि भाई हम जो पुराने जमाने में जो कच्ची घाने का तेल इस्तेमाल कर रहे थे वो ध्यान में ही नहीं रहा। आज अचानक से, पिछले कुछ सालों से अचानक इस कच्ची घाने का तेल लेना क्यों चाह रहे, इस तेल की डिमांड क्यों बढ़ रही है, स्पेशली इस पूरे बिजनेस के बारे में, इसके मार्केट के बारे में आज हम चर्चा करने वाले। कच्ची घाने का तेल मेनली फोकस है, सेंट्रली अट्रैक्टेड है शहरों में, क्योंकि शहरों के लोग या अर्बन एरियाज के लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और अपने हेल्थ को लेकर बहुत जागरूक भी हो रहे हैं। इसके लिए अब पैसा भी खर्च करना उन्होंने शुरू कर दिया। इस कोरोना महामारी के बाद लोग अपने हेल्थ के प्रति बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस है, राइट। कच्ची घाने का तेल उद्योग सिर्फ अर्बन एरियाज में चलता है नहीं ना, आज के डेट में बहुत सारे रूरल एरियाज में या ग्रामीण भागों में भी ये बिजनेस अब स्टार्ट होने लगा है। हमने जब चावड़ी में 2 साल पहले इसका बिजनेस ट्रेनिंग शुरू किया था तो बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर हमारा बिजनेस शुरू किया या खुद का बिजनेस शुरू किया है। राज्य में नागपुर हो या अहमदनगर हो, पुणे हो, सातारा हो, सांगली हो, मुंबई हो, बहुत सारे अलग अलग शहरों से या ग्रामीण एरियाज में से लोगों ने बिजनेस शुरू किया है। इन लोगों ने ऑलरेडी पहले हमें हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लिया था। इनकी स्टोरीज भी मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, वो ऑलरेडी आप देख सकते हैं। ये लोग सक्सेसफुली ये बिजनेस क्यों कर पाए या कैसे शुरू कर पाए, इसलिए इनका इनका जो बेस था वो था हमारा चावड़ी का ऑनलाइन या रेगुलर उस टाइम का फिजिकल कोर्स। इसमें हमने रॉ मटेरियल से लेकर मशीनरी तक या प्रोसेसिंग से लेकर मार्केटिंग तक हर एक चीज वो वहाँ उन लोगों को भी सिखाई थी, और आज के डेट पे भी जब ऑनलाइन कोर्स यहाँ है तो वहाँ भी हम ये सब सारी चीज़ें सिखाते हैं। पिछले 11 सालों में डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस में चावड़ी ने ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी प्रोवाइड की है या हम ऑलरेडी वो करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ आपको वो लोग सिखाते हैं जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, जो खुद शायद वो बिजनेस कर रहे हैं या फिर उनको वो सेम सेक्टर में काम करने का एक्सपीरियंस भी है, या वही एक्सपर्ट्स के या वो एक्सपर्ट्स लोगों के माध्यम से एक्चुअली हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर आप तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। कच्ची घाना उद्योग शुरू करने के लिए सबसे 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली है, इस उद्योग को शुरू करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात, ये उद्योग कोई भी शुरू कर सकता है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, या फिर एक नौकरी करने वाला आम आदमी हो, या फिर कोई बिजनेसमैन हो जो साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। ऐसे लोग कोई भी बिजनेस ये स्टार्ट कर सकते हैं। जब छोटे स्तर पर यह बिजनेस शुरू करना है तो आपको लगभग 2 से 3 लाख तक एवरेजली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब यदि आपके पास कैपेसिटी बढ़ रहा है तो आप यूनिट भी बढ़ा सकते हो। जब हम शुरुआत के समय में इस बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे स्तर पर बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिर्फ 1 या 2 वर्कर लेकर हमारा काम बन सकता है। जब बिजनेस बढ़ जाए तो हम हमारी टीम भी बढ़ा सकते हैं। ये बिजनेस हेल्थ और डेली नीड के संबंधित है, इससे आपको दोनों भी बातों पे फोकस करना पड़ेगा, दोनों भी बातों पर गौर करना पड़ेगा। इसका महत्वपूर्ण फेज क्या है कि इसका प्रोडक्शन करना आसान है मगर इसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हम जब चावड़ी में ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं तो हम मार्केटिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्लस मार्केटिंग पे अलग अलग हमारे यहाँ सेगमेंट में वीडियोस भी होता है, जैसे B2C ओरिएंटेड वीडियोस है जो हमें सिखाती है कि लोकल एरियाज में मार्केटिंग कैसे करना है। बिजनेस शुरू करने के लिए जिन लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, बैंक लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रिंटिंग मटेरियल के लिए डिजाइनिंग या वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, इन जैसी अलग अलग सर्विसेज की जो जरूरत होती है, इसमें भी आपको चावड़ी बहुत सारी हेल्प करती है। एक प्रकार से चावड़ी ने बिजनेस शुरू करने के लिए हर एक व्यक्ति को या बिजनेसमैन के लिए 1-स्टॉप सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। महत्वपूर्ण इस बिजनेस में यही बात है कि इस बिजनेस को एक अच्छे एरिया में आप शॉप लेकर शुरुआत कर सकते हैं। जहां आपने प्रोडक्शन शुरू किया वही आपका सेल हो रहा है, तो ये अच्छे फायदेशीर बात या फायदेमंद है। दूसरा एक कंसेप्ट होता है कि उद्योग का प्रोडक्शन एक तरफ हो रहा है और आप सेल अलग दूसरी तरफ कर रहे हैं, ये भी फायदेमंद साबित हो सकता है।
इसीलिए ये बिजनेस शुरू करने के पहले आपको दो महत्व अलग अलग बातों को समझना पड़ेगा। पहला होगा कि जिसे लार्ज स्केल पर करना है वो दूसरी कंसेप्ट चॉइस करेगा, मतलब आपका प्रोडक्शन एक तरफ होगा, आपका सेल दूसरी तरफ होगा, और जिसे छोटे स्केल पर या स्मॉल स्केल पर करना है उसका प्रोडक्शन और सेल एक ही जगह पर शॉप के माध्यम से वो कर सकता है, मगर इसकी मार्केटिंग और पब्लिसिटी होना बहुत बहुत जरूरी है, ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना पड़ेगा। कच्चे खाने का तेल निर्मित उद्योग में बेसिकली मार्केटिंग का बेसिक स्ट्रक्चर यदि आपको ठीक तरह से समझ में आ जाए तो इस बिजनेस में डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो। ये जो बिजनेस है ये क्वांटम बिजनेस है, बी टू सी पर चलने वाला बिजनेस है। आप बोलोगे सर मैं आज महीने में हर रोज एक लीटर या दो लीटर बेच रहा हूं, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये बिजनेस आपको प्रॉफिट कमा के नहीं दे सकता। इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा सेल करने की बहुत जरूरत है। इसीलिए आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो एक बात ध्यान में रखिए, मैं एक एग्जांपल या मार्केटिंग ट्रिक, छोटी सी ट्रिक आपको बताने वाला हूं। जब हम शादी में जितना खर्च करते हैं, हमारे बेटी या बेटे की शादी होती है, जितना हम वहां पे खर्च करते हैं उतना यदि हम बिजनेस स्टार्ट करने का जो हमारा फंक्शन होता है यदि हम उतना बजट वहां पे खर्च करें ना, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत बड़ी यानी बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि जितने लोगों को हम शादी में बुलाते हैं उतने ही लोगों को हम बिजनेस के ओपनिंग पे बुलाए, तो मैं गारंटी देता हूं इसका बहुत आपको फायदा होगा। इसका मार्केटिंग वीडियो मैंने मेरे कोर्स में डाला हुआ है। हर महीने भारत के अलग अलग राज्यों से कम 2,000 से 4,000 तक लोग हमें हमारे कॉल सेंटर को फोन करते हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए परफेक्ट ट्रेनिंग या परफेक्ट सर्विस कौन सी है इसमें गाइड करते। तो आप भी पीछे मत रहिए, जल्द से जल्द अपना बिजनेस शुरू कीजिए। ऐसे ही हम बातें करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, नए नए बिजनेस पे डिस्कशन करते रहेंगे। और हमारी इस वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।